बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें ये बताया गया कि उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण शाहरुख की हालत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहरुख खान के भर्ती होने के बाद फैंस काफी ज्यादा चिंता में नजर आए। सोशल मीडिया पर लोग शाहरुख खान के बारे में पूछते नजर आए। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि अब बॉलीवुड के किंग यानी कि शाहरुख खान की तबीयत आखिर कैसी है। बीते दिन एंटरटेनमेंट न्यूज वर्ल्ड के स्टार शाहरुख खान आईपीएल मैच देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हुए थे। उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला गया था एक दो दिन पहले ही, जिसे कोलकाता ने अपने नाम कर लिया था। रिपोर्ट्स की मानो तो इस बीच शाहरुख खान डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। शाहरुख खान को इलाज के लिए केडी अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान को अब अस्पताल से हालांकि छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टर्स ने शाहरुख को आराम करने की सलाह दी है। इस खबर के सामने आने के बाद सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस को कुछ राहत मिली। बताते चले कि साल 2023 में शाहरुख खान की एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई थी। इस लिस्ट में जवान और पठान के नाम टॉप पर है। पहले पठान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, तो वहीं बाद में फिल्म जवान ने तो सारी महफिल ही लूट ली। इसके बाद शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज हुई, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। अब शाहरुख खान कुछ दिनों के लिए ब्रेक पर है। रिपोर्ट्स की मानो तो किंग खान जल्द ही फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। बेल ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल 100 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।